हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिचाज रेसिपी। तो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं तवा वेज सैंडविचेस रेसिपी। और उसके लिए चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे आज की रेसिपी। जैसा कि हमारी है तवा वेज सैंडविच, और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड टमाटो, चॉप्ड धनिया, और ये है हमारा पिज़्ज़ा चीज़, मोज़रेला चीज़। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं, और अगर चीज़ स्लाइस भी अवेलेबल नहीं है तो आप जस्ट मलाई का यूज़ कर सकते हैं। और टमाटोज, चॉप टमाटोज। ये है हमारी पिज़्ज़ा सॉस, ये घर पे बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस है। इसको बनाने की रेसिपी भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये है हमारा अमूल बटर, ये ऑर्गेनो। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्रेड स्लाइसेस, कोई सी भी ब्रेड स्लाइस आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर होल व्हीट ब्रेड यूज़ की है। ये थोड़ी सी मिंट लीव्स हैं, इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चलिए अब हम पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे अपने चॉप्ड ऑनियंस। ये है हमारे पास एक बाउल चॉप्ड ऑनियंस। फिर हम इसमें मिलाएंगे एक बाउल से थोड़ा सा कम चॉप्ड टमाटोज। आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स मिला सकते हैं, लाइक कैप्सिकम, कैबेज। कैबेज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं दोनों का यूज़ किया है। अब मिलाएंगे चॉप्ड कोरिएंडर। फिर हम इसमें डालेंगे चीज़। थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस जो हमने घर पे बनाया था, बिल्कुल ज़रा सा इसको ऐड करेंगे, एक टीस्पून। अब डालते हैं धनिया पाउडर, एक टेबलस्पून से थोड़ा सा कम। हल्का सा सॉल्ट टेस्ट के लिए। और ये हमने एक टीस्पून से भी थोड़ा सा कम भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाया है। और ये रही हमारी जो क्रश्ड की हुई थोड़ी सी मिंट लीव्स हैं, वो हमने इसमें डाल दी। मेरे पास ऑर्गेनो अवेलेबल है इसलिए फ्लेवर के लिए ऑर्गेनो मिक्स करूँगी। स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हमने लिए हैं दो ब्रेड स्लाइसेस। आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स कट कर सकते हैं, बट मैं इसको कट नहीं करूँगी। अब इस पे मैं एक साइड में, ये हमारा अमूल का बटर है, आप चाहें तो घर का बना हुआ देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एक तरफ अच्छे से, ये मेरा थोड़ा सा जम गया है, आप इसको थोड़ा सा पहले से ही निकाल के रखिएगा ताकि ये मेल्ट हो जाए। अब हम इस पे अपनी स्टफिंग डाल देंगे। और दूसरी साइड से ये ब्रेड लगाकर इसको हम कवर कर देंगे। मैंने ये दो सैंडविच तैयार कर लिए हैं, और इसके अभी फ़िलहाल एक एक साइड पे ये बटर लगाया है, अमूल बटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप घर का बना देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने अपना तवा प्री हीट कर लिया है बिल्कुल हल्की आँच पे। और चलिए अब हम इसको इसके ऊपर डालते हैं। मैंने इसको गैस पर डाल दिया है, इसको अच्छे से घुमाते रहिए। और इसके दूसरी साइड में हम लोग बटर लगा लेंगे। देखिए कितना अच्छा क्रिस्प हुआ है हमारा ये। अब इसको अच्छे से हम लोग प्रेस कर लेंगे ताकि जो अंदर की स्टफिंग है वो अच्छे से दब जाए, इसमें निकले ना बाहर। तो इसको टोस्टर में भी फ्राई कर सकते हैं, बट तवे के सैंडविच का टेस्ट डिफरेंट ही होता है। तो इसको और ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं, और ज़्यादा इसको सीख सकते हैं, बट मैं इतना ही रखूँगी। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे वेज सैंडविचेस तैयार हैं, चलिए आप इसे टेस्ट करके देखते हैं। बाय बाय।